शोएब भाई, जिस तरीके से आज टीम इंडिया ने बैटिंग करी, जिस तरीके से अप्रोच किया इस टोटल को, आपको लगता है वो सही अप्रोच है या आपको लगता है थोड़ा खतरों के खिलाड़ी ज्यादा बन रहे थे आज हमारे खिलाड़ी? नहीं है, टैलेंटेड तो बहुत है, लेकिन इन सबको ना एक चीज सीख लेनी चाहिए बारात से अब, क्योंकि वो 10 साल आपके साथ खेलते हुए आपके साथ हो गए, उनको यार वो फंसा रहता है माइंड ना करना। उससे ज्यादा टैलेंटेड प्लेयर शायद दुनिया में होंगे, उसकी टीम में होंगे, यार वो फंसना नहीं जानते यार जी। वो फंसो यार, क्या हो गया है? आई मीन लाइक यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि जब तक आप राइट टिल द एंड, राइट टिल द वायर आप नहीं रहेंगे, एंड टू द वायर में जब तक नहीं जाओगे आप बड़े प्लेयर नहीं बन सकते। वो हमेशा अपने आप को प्रेजेंट करता है अपॉर्चुनिटी के सामने, और फिर अपॉर्चुनिटी उसको प्रेजेंट करती है, ले भाई तो मुझे लूट ले। आज भी मेरा लूट गया था, आज भी मेरा लूट रहा था वो। अब वो अनफॉर्चुनेटली हो गया उसका, क्योंकि मैं तो चाहता हूँ, देखो यार 100 वनडे का तो एक बहुत बड़ी बात है, तो वर्ल्ड कप का एक और चीज है जी, और फिर कमिंग क्लोज टू सचिन तेंदुलकर, यार ये किसी ने नहीं सोचा था भाई, ये कोई नहीं कहता यार सचिन तेंदुलकर से बड़ा प्लेयर है और सचिन जैसा रिकॉर्ड कोई बनाएगा, नहीं ये नहीं हो सकता, लेकिन इसने लड़के ने करके दिखाया भाई। He is the most viewed guy in the world. He is the most smartest guy in the world. Reason why he is what he is because he used this. He used this. और जब भी कोई दलेर आदमी अपने आप को प्रेशर के साथ प्रेजेंट करता है, यकीन माने प्रेशर आपको अपॉर्चुनिटी देगा देगा। जी। जो बुजदिल, जो खड़े का प्लेयर आकाश के सामने बड़े प्लेयर खेले हैं दिल्ली में, अरे भाई हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम वो कर देंगे, ओ भाई तुम थड़े के प्लेयर रहे हो, पता है क्यों? तुम जब बड़ी सिचुएशन में गए हो ना अंदर, तुमसे हुआ नहीं, तुमसे नहीं हुआ। तो ये बातें हैं तुम लोगों की। ये बंदा जो है, ये देखें कुछ सोच भी नहीं सकता। 2011 में कोई कहता ना सचिन तेंदुलकर रिकॉर्ड तोड़ूंगा, लोग मुंह तोड़ देते। जी 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 बिल्कुल। हाँ, लेकिन उसने तोड़ के दिखाया, वो 50-50 करने वाला था आज। बिल्कुल। आज वो 50-50 करके भाई गेम खत्म कर रहा था आज। जी जी। आज फिर गया जाने 10-15 मिलियन फॉलोअर्स ऊपर जाने थे इंस्टाग्राम पर। I'm happy for him, यार। I you know, I celebrate people victories. I celebrate people. Akash used to work with me, you know, in Star. I used to celebrate him. बिल्कुल। मुझे कभी किसी को प्रॉब्लम नहीं मिला। मुझे हमेशा भाई 20 साल के गंदे रिकॉर्ड का आज कर दिया दी एंड। 20 साल के गंदे रिकॉर्ड का आज कर दिया दी एंड। आईसीसी टूर्नामेंट में इंडिया ने फाइनली हरा दिया न्यूजीलैंड। क्या बात है, न्यूजीलैंड। और न्यूजीलैंड को 4 विकेट से धर्मशाला में भारत ने हरा दिया है। भारत की वर्ल्ड कप में लगातार 5वीं जीत, और इस जीत के साथ भारत पॉइंट्स टेबल में टॉप पर आ गया है। विराट कोहली 95 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन जिस तरीके से टीम इंडिया ने आज न्यूजीलैंड को धोया है भाई, मजा आ गया। और शोएब भाई, आकाश भाई दोनों हमारे साथ हैं। शोएब भाई आपसे भी जानेंगे, आकाश भाई आपसे भी जानेंगे कि यहां पर जो आपको अब ये जो टीम इंडिया है, क्या आपको ये लग रहा है कि ये इस पूरे वर्ल्ड कप की सबसे मजबूत टीम है? आज जो आखिरी बॉक्स जो टिक करना था, क्या वो भी टिक हो गया? विदाउट अ डाउट एक्चुअली, मतलब आज अगर टिक हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी होता तो ही मैं यही कहता ताकि इस टूर्नामेंट की सबसे बेहतरीन टीम भारत है। और जब लंबा टूर्नामेंट होता है, एक आधा मैच हो सकता है आप कभी ड्रॉप करोगे, हो सकता है यहाँ नहीं, हो सकता है इंग्लैंड के सामने कहीं आप पटक नहीं खा जाओ, भाई 9 मैच खेलने हैं। ऐसा तो नहीं है कि इनविंसिबल आप रहेंगे और कोई आपको नहीं हराएगा और आप फाइनल जीत जाओगे, ऐसा नहीं होता है। तो एक आधा मैच कभी स्लिप हो भी जाए ना तो ज्यादा परवाह नहीं करते। हम साउथ अफ्रीका से हारे थे 2011 में, पर जीते थे टूर्नामेंट। तो अल्टीमेटली वो एक जीत एक हार याद नहीं रहती, ये याद रहेगी जरूर, क्योंकि 20 साल के बाद आपने एक जिंक्स तोड़ा है, तो वो एक होता है जहन में, एक मंकीज ऑफ द बैक फाइनली अंग्रेजी में कहते हैं। पर ये टीम बहुत अच्छी है, हार्दिक पांड्या आज नहीं थे, उनके बावजूद आप यहां पर मुकाबला जीतते हैं। आप जिसको मौका देते हैं, मेरे लिए जो सबसे
बड़ा स्टार है आज ना वो है मोहम्मद शमी कि आपने एक मैच खिलाया उनको, मतलब मैं और शोएब तो मतलब हम क्रिकेट शो में इतनी बातें कर चुके हैं कि अब वो रिकॉर्ड बेचारा वो घिस गया है, वो टेप होती तो बेचारी वो फट जाती वो जो पहले हुआ करती थी, लेकिन मोहम्मद शमी जिस दिन उसको खिलाया भाई ने बना दिया ना पांच पांच विकेट निकाल दी, तो बता दिया कि यार मैं जो घर बैठा हूँ बंदा जब आके पहला मैच खेले पांच विकेट लेना, मैं कहता हूँ ये टीम तैयार। तो मैन ऑफ द मैच किसको दे रहे हो आज? मोहम्मद शमी विदाउट डाउट यार, शमी ये देख लो 273 चेज करते हैं आप 48-49 ओवर में पहुंचे जी, जी। हमने बात की थी अगर ये कहीं 300 बने ये मैच फंसे ही फंसे, अगर 300 बनते हैं तो मैच हार जाते हैं और शमी ने बचा दिया। लेकिन अगर भाई ये इंडिया की टीम क्या वो 2003 वाली ऑस्ट्रेलिया की टीम लग रही है कि ये नंबर वन है और बाकी सब नंबर टू के लिए खेल रहे हैं, उस दर्जे की है इसमें कोई डाउट नहीं है, उसमें थोड़ा फायदा बहुत ज्यादा एग्जैजरेट नहीं करना चाहिए, पर सच बात यह भी है कि आप अपने घर पे खेल रहे हैं, जी, जी, जब आप घर पे खेल रहे होते हैं ना एक एडवांटेज आपको होती है, ये परिस्थितियां आप जानते हैं, क्राउड आपकी होती है और परफॉर्मेंस जो वो और बेहतर होता है, निखर कर आता है, तो यस इस वाले टूर्नामेंट में मतलब वो कट अबव द रेस्ट जरूर है, इसमें डाउट ये वाला जंग तो इंडिया ने 2011 में, उससे पहले कोई होम टीम जीती नहीं। मेरे भाई मैं इसे भी कह रहा हूँ कि मैच इतना लंबा जाना भी नहीं था जी। देखें अय्यर अगर खेल जाता लंबा तो अय्यर बच्चा है समझ नहीं आ रही, छोड़ दे भाई दो तीन बोले छोड़ दे थोड़ा नीचे के भी खेल ले ठीक है स्टिफ स्टार्स के साथ। केएल राहुल तक तो मैच ऐसे था जैसे कि आपने 5-10, 5-7 ओवर पहले खत्म कर देना था, ये मैच डाउन टू द वायर जाना भी नहीं था। भाई बहुत लंबी चौड़ी बैटिंग लाइन है, बहुत लंबी बैटिंग लाइन, बॉलिंग भी आपकी पूरी हो चुकी है। आकाश सवाल ये यार केएल राहुल खेल रहा होता है क्या ये मैच 40-42 ओवर में खत्म नहीं होता? 100% होता, विदाउट अ डाउट होता, क्योंकि वो बॉलर को जो लेफ्ट आर्म स्पिनर डाल रहा था इस पूरे मैच में एक्चुअली वो एक बंदे ने स्वीप मारा, एक बंदे ने, और इस पिच पे थोड़ा लग रहा था कि बॉल स्किड ना कर जाए, वो खट करके मारता है गैप में चौका, फिर मारता है फिर गैप में चौका, फंस गया आज वो एक्चुअली मारा था पहले बट वो क्लास खेलता है। अगर रोहित चल जाता ना आज रूट नहीं पड़नी थी। हाँ फिर तो रोहित तो रोहित वाले मैच कहाँ जाते हैं 45 ओवर के बाद 35 में खत्म। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन अभी हम चलते हैं धर्मशाला, वहां पर हमारे साथ किरण मौजूद हैं और वहां पर देखते हैं कि इंडियन क्रिकेट फैंस भी उनके साथ हैं, क्योंकि ये एक बड़ी चीज है, एक बड़ी बात है कि हम न्यूजीलैंड की टीम जो हर बार एक ऐसी टीम बनकर आती थी कि जिसके आगे टीम इंडिया टाई टाई फिस कर जाती थी पिछले 20 सालों से, 2003 में आखिरी बार हमने वर्ल्ड कप का मैच जीता था न्यूजीलैंड से, लेकिन अब यहां पर 2023 के वर्ल्ड कप में जब न्यूजीलैंड सामने आई तो टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को बढ़िया तरीके से फेंटी लगाई। किरण हमारे साथ है, किरण कैसा माहौल है धर्मशाला में? ठंड वहां पर बढ़ गई है लेकिन क्या जो फैंस हैं उनकी एक्साइटमेंट की कुछ गर्मी देखने को मिल रही है क्या? बिल्कुल, और मैं आपको बताऊं जब 20 रन रह गए थे ना तब तक बिल्कुल शांति थी स्टेडियम में, लोगों को सबको पता था कि भाई किंग कोहली खड़े हैं जिता देंगे, लेकिन जो आपने कहा ना वो फैक्टर डर वाला था, न्यूजीलैंड वाला कहीं कुछ हो तो नहीं जाएगा, तो बड़ी शांति थी। लेकिन जो वो छक्का लगाया विराट ने उसके बाद सबको लग गया अब ये मैच कहीं नहीं जा रहा। आपको क्या किस मोमेंट पे आपको लगा कि अब इस मैच में हम आ गए वापस जब सूर्य आउट? जितनी हिस्ट्री हुई थी उसके बाद कोहली पे हमेशा से विश्वास था बट लेकिन एंड तक हम नर्वस थे, जब जो वो छक्का लगा उसके बाद चौका लगा तब हम वी वर वेरी क्लियर दैट इंडिया विल विन एंड इंडिया विल विन दिस वर्ल्ड कप बाय बाय मार्जिन। इंडिया इंडिया। विराट के लिए कुछ कहेंगे चेस में, मतलब उनके आगे पीछे तो कोई है ही नहीं, मतलब आज भी लग रहा था कि अकेले वो डटे हुए थे और लग रहा था कि नहीं जिता के जाए। विराट कोहली की वजह से ही हम ये मैच आज जीते हैं और ही सिंपली द चेस मास्टर विराट कोहली इज इनके पास आई एम ट्रू फैन। बिल्कुल भाई ठंड वहां पर ज्यादा है इसलिए जैसा कि मैंने कहा कि कई बार फ्रीज हो जाती है। आकाश भाई के पास चलता है, आकाश भाई जिस तरीके से टीम इंडिया ने यहां पर ये जो जीत दर्ज करी है और पॉइंट्स टेबल पे हम अब नंबर वन हो गए हैं, यहां से आपने जिस तरीके से अब बैटिंग का जो टेस्ट था वो भी हो गया, क्योंकि आप बार बार कह रहे थे कि जडेजा की बैटिंग नहीं देखी, जडेजा की बैटिंग नहीं देखी, हार्दिक तो चलो अनफॉर्चुनेटली इस मैच में नहीं थे लेकिन जडेजा की बैटिंग देख ली, अब आपको लग रहा है कि सारी चीजें पते पर है? नहीं, बॉक्सेस सारे टिक कर रहे हैं इसमें कोई डाउट नहीं, आज चाहिए थे जडेजा के रन, क्योंकि अगर जड्डू चलो मान के चलते हैं कि मतलब हाइपोथेटिकली आज जड्डू रन ना बनाते तो आप ये मैच भी नहीं जीतते जी, क्योंकि फोकस ऑब्वियसली विराट कोहली पे सारा है क्योंकि चेज मास्टर है बंदा, रन मशीन है, टन मशीन है, चेज मास्टर है, मॉडर्न मास्टर है, ही इज आउटस्टैंडिंग, उसमें डाउट नहीं है। पर जड्डू दूसरे एंड पे चाहिए था क्योंकि इसके बाद आने वाले थे शमी, सिराज, बुमराह और कुलदीप,
ये तो चार बोलर मतलब आप हो सकता है पांच ओवर का मेहमान हो, सारे एक के बाद एक बार चले जा सकते थे। तो जड्डू के रन सेंसिबली खेलना, तरीके से बनाना रन, ये वाली खेलना जड्डू को पसंद आती है एक्चुअली। रना बॉल आप जड्डू से कभी भी खिलवा लो, इज अ वेरी गुड प्लेयर। अगर आप यही वनडे क्रिकेट में या टी ट्वेंटी में आप बोलो कि हम तेजी से रन बनाने हैं, तो तेजी से देर इज अभी भी थोड़ा सा कंसर्न है, पर ठीक है यार, किस हमें कंसर्न नहीं है, चांद में भी दाग है।